मौर्या जी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चुनावी हिंदू बन रहे थे और उसी का परिणाम है कि इनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि सनातन का श्राप ले डूबा, सनातन को जिस तरीके से कोसा गया, अमर्यादित टिप्पणियां की गई अलग अलग नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, इंडी गठबंधन के नेता हो, उसी का श्राप है जो चुनाव में ले डूबा है। और एक टाइम प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि श्राप ले डूबा और इस बात को लगातार वो कहते रहे हैं, इस बात को अब तो बीजेपी इस वक्त फुल जोश में दिखाई दे रही है। भले इस पर अब तमाम बयान निकलकर सामने आए और कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है जब हिंदी हार्टलैंड पर उसका कब्जा छूटता चला जा रहा है। दो स्टेट यहां पर गवा रही है कांग्रेस, अगर यही रुझान बिल्कुल सीटों में तब्दील हो गए और यहां पर तीनों स्टेट में अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो कहा जा सकता है कि ये अब मंथन का वक्त है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इंडी गठबंधन अपने पूरे दावे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के चक्कर में थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा अमित। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, सुनीत सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनीत सोनी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। अभी हमने 30 तारीख को एग्जिट पोल किया और एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। ईमानदारी से कहा जाए तो करीब करीब सारे ही एग्जिट पोल पर हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया मोदी जी के नेतृत्व में, स्पष्ट बहुमत है हमारा, तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। अब ये तो चुनाव का रिजल्ट पूरा आएगा, उसके बाद आकलन होगा। पहले से आकलन को जो लोग करते हैं तो वो तो चुनाव विश्लेषकों को छोड़ देना चाहिए, वो आकलन करने दीजिए उनको। तो लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और सभी का कहना है कि अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, उसके बाद खुलकर हम रिएक्शन देंगे। सुनीत सोनी, उस दिन आप भी जुड़े थे और हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन आप लोग आखिर तक ये कहते रहे कि देखिए आप जब एग्जिट पोल के बाद बात एग्जैक्ट पोल की आएगी तो हमारी सरकार बनेगी। कैसे किया वहां पर पूरे इलेक्शन को आप लोगों ने मैनेज की तस्वीर बदल गई पूरी तरीके से? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, 30 तारीख को मैं आपके चैनल पे एग्जिट पोल के ऊपर डिबेट में शामिल हुआ था। तमाम विद्वान गण आप लोगों के ऊपर बात कर रहे थे, शायद आप लोगों को भी मेरी बातें कुछ अटपटा लग रही होंगी। जब छत्तीसगढ़ के लिए मैंने पूरा विश्वास जताया था कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है, क्योंकि लगातार हमारी जो टीम है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती जो है संगठन से मिलती है, कार्यकर्ता से मिलती है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो लोगों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो हमें पूरा विश्वास था हमारी मेहनत के ऊपर और जनाधार जो हमें मिल रहा था कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। रुझान पर सीएम धामी का भी बयान सामने आया, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है, यह कहना है पुष्कर सिंह धामी का। चुनावी रुझान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है, तो यह एक बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए अब जिस तरह से नतीजे साफ होते जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लगातार अब बयान सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो इसको लेकर जीत का दावा कर ही रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने यहां पर जिक्र किया और कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। बिल्कुल, तो मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, सीएम धामी ने इस बात को कहा है और अब तो बीजेपी के अलग अलग जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सब इसी बात को कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक चल गया है और अगर लोकसभा चुनाव में यही सब कुछ रहा तो फिर बंपर जीत के साथ एक बार फिर से जो प्रशंसा है देश में वो बढ़ती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को और मुख्तलिफ पार्टियों को इस पर एक गहन विचार करना चाहिए। वहाँ मैं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत पर कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ, वहाँ पर रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर वहाँ पर बीजेपी कहीं कंटेस्ट में नहीं थी, ये बात हमको माननी पड़ेगी। इसलिए कुल मिलाकर ये जो जनादेश हैं चार स्टेट्स में, कुल मिलाकर बीजेपी की प्रखंड जीत का संकेत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड इन थ्री स्टेट बीजेपी इज लीडिंग।
यस आई थिंक इट इज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द बीजेपी। देखिए मुझे आज खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में हमने राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव व्यवस्था की, लोगों ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की, मोदी जी की सरकार के योजनाओं का लाभ लिया, इसी प्रकार राजस्थान में भी भारत सरकार की योजनाओं का और ज़्यादा लाभ लेने के लिए और राजस्थान का अच्छे तरह प्रगति और विकास करने के लिए, राजस्थान में भी कानून व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए, राजस्थान में भी मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो उसकी सुरक्षा के लिए और गौ भक्तों की सुरक्षा के लिए, हमारी राष्ट्रीय भावनाओं की सुरक्षा के लिए और कट्टरवादी आतंकवादी देशद्रोही ऐसे तत्वों को, माफियाओं को नेस्त नाबूद करने के लिए और अब तक की राजस्थान की जो भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की उसको निकालने के लिए तो रिएक्शन आने लगातार शुरू हो गए। तस्वीर भी अब करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी एक तरह से कह लीजिए कि मान लिया है कि तीन स्टेट में धीरे धीरे वो हार की ओर बढ़ रहे हैं और बीजेपी ने बिल्कुल जीत के साथ अब सड़कों पर उतरनी शुरू हो गई। जीत का जश्न भी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। निरंजन पोदार साहब, मोदी का मैजिक चल गया और मोदी के मैजिक के साथ अब ये कहा जा रहा है कि 2024 भी बीजेपी पूरे जोश के साथ और उत्साह के साथ यही कह रही है कि जब ये तीनों हार्टलैंड हमारे हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त जीत एक बार देखने को मिलेगी। थोड़ा सा जो आपका शब्द है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मोदी का मैजिक नहीं है, क्योंकि मैजिक वो जादू उसको कहते हैं कि जो जनता को बेवकूफ बनाता हो। मेरा ये मानना है कि मोदी जी का जो भरोसा है जनता के अंदर, वो भरोसा जीत गया, वो भरोसा आज भी कायम है, मेरा ये मानना है। और अगर इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो जिस तरीके से जनता को भरमाया जा रहा था, जनता को एक तरह के समझ लीजिए भ्रमित किया जा रहा था, कहीं ना कहीं जनता ने ऐसा लग रहा कि जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता ने जवाब दिया है उन लोगों को जिन्होंने जनता के जनादेश का अभी तक कभी ईवीएम के नाम पे, कभी लोकतंत्र को हाईजेक करने के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, जिन लोगों ने जनता के जनादेश का अपमान अभी तक जो लोग करते आ रहे थे, लेकिन दो जीतों के बाद में, कर्नाटक और हिमाचल की दो जीतों के बाद में उन्होंने वो चीजें बोलना बंद कर दी और ये दिखाना चालू कर दिया और एक गठबंधन और ये पता नहीं क्या।